गर्मी की। देखिए आसमान से बरस रही है आग। आज प्रदेश में दिखेगा गर्मी का प्रचंड रूप। आज प्रदेश के कई जिलों में तापमान 50 डिग्री होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है रेड अलर्ट। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर के लिए अलर्ट है। इन सभी जिलों में तापमान आपको हद से ज्यादा दिखाई देगा। कोटा, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, जालौर, फतेहपुर, डूंगरपुर, अंतावारा, गंगानगर, बीकानेर, भीलवाड़ा जिले में अधिकतम तापमान होने के आसार हैं। वहीं अन्य जिलों के तापमान में भी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हीट वेव चलेगा और लू की चेतावनी भी है। प्रदेश में और अधिक तापमान बढ़ने से जुड़ी ये बड़ी खबर। प्रदेश भर के जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। 5 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, अंदाजा आप लगा सकते हैं। प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है, लेकिन चढ़ाव ज्यादा दिखाई दे रहा है। 2 जिलों का अधिकतम तापमान 48 डिग्री से अधिक पहुंचा है। बाड़मेर का सर्वाधिक तापमान 48.8 डिग्री दर्ज किया गया। मतलब दुनिया के सबसे गर्म शहरों में से एक अगर देखा जाए तो बाड़मेर रहा। आपको बता दें कि फलौदी का तापमान 48.6 डिग्री दर्ज किया गया है। बाड़मेर, फलौदी के अधिकतम तापमान में 0.8 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। कोटा, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, जालौर, फतेहपुर में 47 डिग्री से अधिक का तापमान रिकॉर्ड हुआ है। डूंगरपुर, अंतावारा, गंगानगर, बीकानेर, भीलवाड़ा का अधिकतम तापमान 46 डिग्री के आसपास गया। गुलाबी नगरी जयपुर का तापमान 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप देख पाएं कि किन जिलों में क्या स्थिति है। जयपुर के तापमान में 1.4 डिग्री की गिरावट जरूर देखी गई। वनस्थली चित्तौड़गढ़ का तापमान 45 डिग्री से अधिक रहा। सनसिटी जोधपुर शहर का तापमान 6.2 डिग्री सामान्य से अधिक दिखाई दिया। संगरिया पिलानी के तापमान में 2 डिग्री से अधिक की गिरावट देखी गई। माउंट आबू का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सबसे कम दर्ज हुआ है। प्रदेश का अधिकतर शहरों में बना हुआ है रेड अलर्ट। हीट वेव, लू चेतावनी लगातार जारी हो रही है प्रदेश में और अभी पारा बढ़ेगा। नौतपा की शुरुआत हो रही है। 9 दिन प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। इस नौतपा में फिलहाल तापमान से राहत मिलने कोई आसार नहीं है। फिलहाल तापमान से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। आशीष हमारे सहयोगी कनेक्ट है, अनूप हमारे सहयोगी कनेक्ट है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अनूप, प्रदेश में गर्मी सितम ढा रही है, आसमान से आग बरस रहा है, क्या स्थिति इस वक्त आप देख पा रहे हैं? मौसम विज्ञान केंद्र ने क्या अलर्ट जारी किया है? यहाँ बिल्कुल आसमान से आग उगल रही है और इसी के साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह तो हो ही नहीं रही है। सुबह के समय ही जो तापमान है उसके अंदर सूरज उगने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी होने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कई रिकॉर्ड यहाँ पर टूट रहे हैं। बाड़मेर का पारा है वो 48.8 डिग्री पहुंच गया है। 3 दिन का रेड अलर्ट प्रदेश के अंदर जारी किया गया है। इसी के साथ ही अगर तापमान की बात की जाए तो अगले 3 दिन प्रदेश का तापमान है वो और अधिक बढ़ेगा। 2 जिलों का तापमान है वो 48 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। आज लगभग 50 डिग्री के करीब प्रदेश के कई जिले रहने वाले हैं, जिसके अंदर के मुख्य जो जिले हैं उनकी अगर बात की जाए तो बाड़मेर है, जालौर है और जैसलमेर है, श्री गंगानगर है। इन सभी जिलों का जो तापमान है यह आज बढ़ने की पूरी यहाँ पर संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। कल से प्रदेश के अंदर नौतपा शुरू हो जाएगा, यानी कि 9 दिन प्रदेश के अंदर भीषण गर्मी का जो दौर है वो जारी रहेगा और इस बार गर्मी है वो कई रिकॉर्ड बना रही है। कईयों की यहाँ पर जान जा चुकी है। 12 से ज्यादा मौतें हैं वो यहाँ पर दर्ज की गई हैं। 10 शहरों का जो तापमान है वो बढ़ने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। जी अनूप, आंकड़े ये बता रहे हैं कि 5 लोगों की अब तक जान जा चुकी है इस गर्मी में। जी हाँ बिल्कुल, 5 लोगों की यहाँ पर जान जा चुकी है और पूरे अगर देश भर की बात की जाए तो एक दिन के अंदर 12 मौतें हैं वो यहाँ पर सबसे ज्यादा दर्ज की गई हैं। राजस्थान के अंदर गर्मी का कहर है वो यहाँ पर लगातार जारी है। बाड़मेर का तापमान है वो 48.8 डिग्री पहुंच चुका है और अगर फलौदी के तापमान की बात करें तो 48.6 डिग्री तापमान वहां का हो चुका है। फतेहपुर का तापमान है वो 47.6 डिग्री है और जालौर का तापमान 47.3 डिग्री है। इसी के साथ ही जो सीमावर्ती जिला है जैसलमेर वहां का तापमान 47.5 है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो आज के तापमान में 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है। कल की अगर राजधानी जयपुर गुलाबी नगरी की अगर बात की जाए तो वहां के तापमान के अंदर 1.4 डिग्री की कमी आई थी, जिससे थोड़ी बहुत राहत, मामूली राहत की बात है जो जयपुर राइट्स को मिलती हुई दिखी थी। जी
अनूप, उतार चढ़ाव की हम बात कर रहे हैं, उतार कहाँ कहाँ दिखाई दिया? मुझे लगता है चढ़ाव तो ज्यादा दिखाई दिया होगा एक आध जगहों पर, जैसा कि आपने बताया जयपुर में थोड़ी सी डाउन रहा था तापमान, लेकिन बाकी जगहों पर बाड़मेर वगैरह में तो रिकॉर्ड तोड़े हुए है। नौतपा कल से शुरू हो रहा है, तो क्या ये माना जाए नौतपा में तापमान इससे ज्यादा बढ़ सकता है, या अभी जैसा कि दिख रहा है रुझान अलग अलग जिलों का तो अप एंड डाउन दिखाई देगा नौतपा में भी? जी नहीं, देखिए नौतपा है, नौतपा के अंदर तापमान है वो आसमान छूने की ओर आगे की ओर बढ़ेगा, और मौसम विज्ञान केंद्र का यही कहना है कि 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, और प्रदेश के अंदर भीषण हीट वेव लू की स्थिति है वो बनी हुई है। प्रदेश में भीषण लू चल रही है जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आने लगा है, और इसी के साथ ही अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो दोपहर के समय 1 से 5 बजे तक का जो ट्रैफिक है वो भी राजधानी जयपुर सहित अन्य जिलों के अंदर कम देखने को मिल रहा है। गर्मी से आमजन बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, वो घर से निकलना नहीं चाह रहा है, लेकिन कोई जरूरी काम होने के चलते ही वह घर से निकल रहा है, और इसी के साथ ही तापमान में जो उतार चढ़ाव का दौर है वो भी बना हुआ है। आज के तापमान की अगर बात की जाए तो आज प्रदेश भर के तापमान के अंदर वृद्धि होने के संकेत मौसम विभाग की ओर से दिए गए। अनूप, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो पारा होगा 50 के पार, कुछ ऐसा है मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान, और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जिले दर जिले, ताकि आप समझ पाए क्या स्थिति कहां बनी हुई है।